अरे यार कितनी गंदगी इस देश में। ए छोटू। जी साहब। अरे यार किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता, कितनी गर्मी है यार। इतनी चर्बी है तो 5-स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता। बेटे आदत हो गई है, एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है ये। ओ सरक सरक उधर एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थू गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। ए चाय लाना मेरे भाई। ए भाई अभी अपनी पहचान हो गई ना, साहब के लिए मेरी वाली स्पेशल चाय बना के दे। ए भाई। अरे अरे तुझे जाना हुआ कितना टाइम हुआ है? अभी 7 मिनट तो हो गए ना भाई। अरे भाई प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसके लिए कम से कम 70 चाय। शक्कर डाली? जी। ए जा 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 साहब के लिए मेरी वाली 10 चम्मच शक्कर ला। जा 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 ना भाई। भाई इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए जी। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास, 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। ए सुन 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 बैठ, इतना उदास मत हो, मेरे दिमाग में एक और स्कीम है जो कि 30 लाख रुपए की है। 30 लाख? हाँ भाई मेरे पास तो 20 लाख है। शिट करो कुछ करो भाई। चल ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर, कहाँ है पैसे? बाजू में भाई, नकद कैश। अभी ला सकता है? हाँ अभी ला सकता हूँ मैं। एक काम कर 22 नंबर बंगले पे ले आ। जी भाई मैं पैसे okay. आप बंगले पहुंचो, मैं अभी पैसे लेके जाओ 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 जाओ। बाकी के 50 लाख कहाँ से लाऊं भाई? इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। तू जा। मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई बहुत बड़ा ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। तू जा अमाउंट की बात। अरे बाबा बाबा तू जा। अच्छा भाई तू जा यार, तू जा, दिमाग खराब मत कर, माफ कर दो। आप मेरे गॉडफादर हो भाई, मैं किसी पर नहीं। अरे मैं पैसे लेके जा, जा अपने बच्चों को मिठाई खिला जा। तू तेरे लिए 10 रुपए वाली स्कीम ही अच्छी है। तू जा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाई, मैं आपके लिए लाता हूं ना भाई। ठीक है मैं अभी बंगले पर पहुंचता हूं। ओके आएगा ना? आऊंगा ना भाई, पक्का आएगा ना। अरे 100% आऊंगा भाई। ए परेश इधर आ, 1 कोल्ड कॉफी। ओके सर। ये नया अवतार क्या है? लोगों के झूठे बर्तन उठा उठा के मेरा क्या भला होने वाला था, इसलिए मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया। वाओ क्या बिजनेस है? हार्डवेयर की दुकान खोली है। पैसा कहाँ से लाया बे? डाका डाला? बैंक ने दिया। बैंक में जाओ, लोन की अर्जी भरो, पैसा तुम्हारे हाथ में। मतलब कोई भी मुंह उठा के बैंक से पैसा मांगता है और वो मिल जाता है? बैंक है कि शिरडी के साईं बाबा। सिर्फ तुम्हारे पास एक दुकान होनी चाहिए। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक दुकान चाहिए अच्छे इलाके में। बैंक तुमको लोन देगी 4 लाख, उसमें से 2 लाख कंपनी को दे दो डिपॉजिट के तौर पर। फिर किसी भी कंपनी में जाओ, साबुन किराना स्टेशनरी किसी भी कंपनी में। ओके कंपनी तुमको माल देगी 5 लाख का। आजकल लोग किसी भी चीज़ को इतनी तेजी से खाते हैं जैसे भूख की दीमक लकड़ी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा माल बेचने में। मुनाफा है 20%, तो महीने की आमदनी कितनी हुई? 1 लाख। बैंक लोन कितना है? 4 लाख। हाँ तो 4 महीने में लोन चारों खाने चित, 5वें महीने में दुकान तुम्हारे पास, 6वें महीने में 1 लाख तुम्हारे पास होगा और 7वें महीने में। बस बस भाई बस, जरा फिर से बताओ क्या क्या करना पड़ेगा? लोन के फॉर्म भरो, साइन करो, फिर दुकान के कागजात जेरोक्स राशन कार्ड पासपोर्ट के 10-12 जेरोक्स बना के एक मस्त फाइल बनाओ और बैंक को अपने नेक इरादे बताओ। जी हाँ मिल जाएगा, आप इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दो, दुकान के कागजात ले आओ और पैसा ले जाओ। लेकिन ये दुकान कागजात किस दुकान से मिलेंगे? बेअकली के। अच्छा अबे नाम 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 क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक उतर आया ना औकात पे, अपनी पान की दुकान का नाम रखना थूक। रंगीले तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ए, ले रे
ए, खाली नमक चाहिए ना? हाँ अभी ला के देता हूँ। जल्दी ला के दे। बेंजी बेंजी थोड़ा सा नमक वो लाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर पानी उबाल। बंदर क्या जाने आता है। ये लो। कचरा कितना है। दादा तेरी माँ बहने नाती है वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं नहीं कुत्ते। अरे क्या हुआ? अरे इसको घर में किसने घुसने दिया? अरे मेरे भैया खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ साले कुत्ते। राम दादे राम दादा साला आज तेरे राम दादा तेरी माँ का रुक साले साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा कमीने साले। रुक 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 क्या हुआ? पूरा दिन खाना नहीं खाया सबने। क्यों? वो हिडिम्बा के पति ने मार मार के सबको बाहर फेंक दिया और खाने के अंदर घासलेट का पूरा डब्बा भी उलट दिया। भाऊ समझ गया कौन है इसके पीछे। तूने कुछ किया नहीं? मैं जाता तो मुझे भी दो चार पड़ जाती भाऊ। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। अब दिखाता हूँ साली को कि मैं कौन हूँ। साली नहीं भाऊ साला, साले ने मारा इसको। सब जानता हूँ। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाऊ। उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी चार पांच गालियां दी और मुझे भी चार पांच ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया इसलिए हाथ रुक गया। अरे इतनी जल्दी आ गया? पैसा लाया? अग भाई ये तो लावणी वाला है। ये तो ये माली है मेरा। ये बाबू पानी बराबर दे रहे। क्या मायला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये आपका माली है? ये तो उस दिन वहां पे हाँ उड़ा रहा था मालूम है। क्या है इसको जब भी पगार मिलता है ना मेरे को लाके दे देता है। मैं उसका डबल कर देता हूँ और वो जाकर उड़ा देता है। अरे ये भी तो उस दिन वहां था। ये ड्राइवर है। ये ड्राइवर तेरे को बोला ना डिक्की में से पैसा निकाल के अंदर रख। ए चुप्पे। ये आपको चुप्पे बोला? मेरे बाप समान है वो। पांच साल का था तब से पाल पोस के बड़ा किया उसने मुझे। तब से मेरा ड्राइवर है वो। पांच साल? लेकिन इसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। जिम भी ज्वाइन करवाया। मालूम पड़ता है 60 साल का। ना ना भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा लाया? लाया ना भाई।
भाई अंदर बैठ गिन ले। अंदर कुछ नहीं, हम लोग बैठते बैठते नहीं। अब 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 भाई थोड़ा पानी वानी तो हो जाना चाहिए। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं। सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। भाई 25 दिन में डबल हो जाएंगे ना? अभी ये दोगे तो डबल होगा ना। ले लीजिए भाई, 25 दिन बाद आता हूं। ठीक है भाई। ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके ओके बाय। ओके बाय। कार हलकट है, मेरे को माली बोला तू? अरे बाबू भैया 20 लाख रुपए मिल गए। ड्राइवर साला खुद काला चश्मा पहन का चोर दिखता, मेरे को ड्राइवर बोलता साला। अरे चोर चोर अरे सुन तो, मैंने पहले ही बोला था ये साला मानेगा ही नहीं। अरे कब तक मामा का थप्पड़ तू खाता रहेगा? और वो हरामी घर की चिपकली को तुझसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं। तू मरेगा भी ना उसके लिए तो वो तुझे जलाएगा नहीं, जंगल छोड़ाएगा क्योंकि उसके पैसे बचते हैं। हाँ, और ये सब क्यों? क्योंकि तू उसका गुलाम है। तू हमारा पार्टनर बन जा, महीने के 25,000 रुपए, सोच ले साल का कितना होगा। अरे पैसा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब शोहरत, बड़े बड़े कमिश्नर नेताओं के साथ उठना बैठना होगा, उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छछुंदर लगेगा। सोच ले, पैसे की चमक से चमचमाता हुआ तू सीना फाड़ के जब वो फटीचर मामा के सामने खड़ा होगा तो कैसा लगेगा? सोच सोच। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गिरवी रखेगा क्या? चार जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? है। क्या? मेरे पास एक प्लान है। ओए, ओए, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे? काम कर रहे? तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना? अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड एक साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर है वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के, बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। भाऊ वो भोजनालय वाला गालियां देता है हमको, बोलता है पैसा नहीं देने का तो इधर खाना नहीं खाने का। बोलो अभी क्या करने का? ए तू टारकोल डालने का? वैसे भी 2.5 घंटा लगता है भोजनालय जाके वापस आने में। भाऊ अगर ऐसे ही चलता रहा और 2 हफ्ते लग जाएंगे रोड खत्म होने में। अगर आप सब यही इंतजाम कर दें तो हम यही पका के खा लेंगे, इससे टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत, यानी बचत ही बचत। अच्छा उपाय। सुनो जी, मैं म्यूनसिपालिटी ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने सुना नया कमिश्नर आने वाला है, अगर मैंने अभी से दबाव नहीं डाला तो हमारा चेक पास नहीं होएगा। और याद रखना, कम रोड़ी कम बजरी कम डांबर, और उसके बाद डांबर को प्यार से सहलाना। जी रंगीला, जाओ अपनी साइकिल लेके आओ। तेदी मैं तो बोलता हूँ तब तब पैसे नहीं आते, इतने तो नहीं तोलते, क्या बोलते हो? ठीक है लेकिन थोड़े उत्पाद भी होती बंदूक तो पता चला। तेदियो पालती ताला मुंबई में और 15 बंदूकें भी इतने पाते, लेकिन ताले का तो आता पता नहीं है। अरे तो सो ढूंढो, मुझे सपने में पारसी नजर आता है, बंदूकें नजर आती है। पारसी बंदूकें? सर जी अगर उस पारसी से मैं वो 15 बंदूकें ला के दू तो? तू इधर से ला दे। सेठ जी ये मेरी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ मुझे 2 दिन का मौका दीजिए, मैं आपको ला के दूंगा। ठीक है अगर तू वो 15 बंदूकें मुझे ला कर देगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। देखो बंगले के अंदर पारसी सोया हुआ है, उसको जगा लेगा। उसके पास 15 बंदूकें हैं। 15? उन बंदूकों को फटाफट उठा के लाना है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म निकाल जल्दी। ये ले ठल ठल। और एक मिनट,
मस्त है चल। कौन है? क्या कटा है? क्या कटा है? क्या कटा है? और सत्रह क्या बात कर रहा है सत्रहगन? और यह तीन बीस, लेकिन पप्पू ने तो पंद्रह बोला था। आइडिया, पंद्रह की जगह पे सत्रह दे डालते हैं उसको, दो एक्स्ट्रा, वो खुश हो जाएगा। और सुन, ये तीन है ना, हम लोग चोर बाजार में बेच डालते हैं 50-50, क्या बोलता है? लेकिन पप्पू को बोलना मत। नहीं बोलूंगा। हलाम दादे, कहाँ है वो तीन बंदूक? कौन सी तीन बंदूक? आपने पंद्रह बोली, मैं सत्रह लाया। अबे ये तीन बंदूक किधर है? अबे ये तीन बंदूक इंटरनेशनल मार्शल में सलोर होती थी, मत है किधर है? अबे बोल किधर है? तेरे को तो गाली डालूंगा। मैं लाता हूँ सर जी, मैं लाता हूँ। एक और एक ग्यारह, टीचर का नहीं सुनने का वो पागल है। बंदूक किधर है? ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा, खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है। ज्यादा नौटंकी मत कर साले, छह की छह गोलियां घुसाऊंगा पेट में। वो तीन बड़ी वाली बंदूकें कहाँ है? वो हाँ, वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? हाँ। तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को डबल चाहिए, ट्रिपल, जितना चाहिए सब दूंगा, लेकिन वो तूने बंदूक किसको बेची? अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम? साले माइकल दादा, तूने यहाँ अपना नंबर छोड़ा और हमें फोन करने को बोला, वरना तुम हमारे कफन से लाओगे। हाँ, तेरे भाई ने हमारे हाथ की गर्मी देखी है, अब तेरी बारी है। और साले अगर एक बाप का है ना तो तेरा मिल वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, तेरा दूसरा बाप। और सुनो, साथ में कफन ले आना, हमारे काम आएगा। साले तेरी लाश को ढकना तो पड़ेगा ना। मुझे भी दे। डाल पैसा डाल। हेलो, हाँ मामू है। हाँ पता है कौन है फोन पे? तेरा कॉल है, नौकरी गई ना, अब तू तेरे पैर भी कमाएगा। साले क्या सोचता है तू अपने बारे में रे हरामी है? साले रिश्वत खाका के पैसा कमाया है, साले तू मरेगा नहीं, तू सड़ेगा है। सुना है तुझे एक खच्चर की तलाश है? तू साले मेरे पास आना तो तुझे कानी कान ऐसा बजाऊंगा कि साले तू बहरा हो जाएगा। मैं कहा हूं? अगर हिम्मत है तो तेरा मील वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। है साले, तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किए तो तू देखना, रख तेरी माँ का नाका मामा। अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। हे देवा, मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, तोड़ दी मेरी घड़ी, तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन, आ रहा हूं से। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी, घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। आ, 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 भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा, वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया आया। ए चिंतन, इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाव, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आपने किया? जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है, करता हूँ भाऊ। देखना कोई देख तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ ना। कहाँ से किया? उससे साफ करो। जल्दी कर। जल्दी कर। अबे जल्दी कर, कोई आ जाए। जल्दी कर। फेंक कर सारी मिठाइयां खराब।
और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है। बुरा ना मानो होली। हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे। हराम खोरो। क्या हुआ? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे अरे, इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कराओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी, मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी, रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयां गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो ना सासे लिए। चलो ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। उल्लू का चरख है। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ जेब में दूं तेरे को? दूं अंदर से निकाल के? साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? म्युनिसिपैलिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। जा चल।